ये ग्रैनी तो भाई पीछे ही आ चुकी है, जल्दी से भागना पड़ेगा, जल्दी से। ओ भागो 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 भागो, ओ भागो जल्दी। ओ नो, ये ग्रैनी का टेलीपोर्ट भी कर रही है। शिट भाई फंस गए। ओके गाइज, वापस से बेहोश कर दिया था इस ग्रैनी ने, बट अभी होश में आ चुका हूँ। इसने बेहोश करके मुझे मेरे घर के अंदर ही फेंक दिया था, बट लकीली अभी मुझे होश आ गया है। एंड इस ग्रैनी को लग रहा है गाइज कि मेरे घर से बाहर निकलने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, बट इसे नहीं पता भाई कि मेरे घर से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला गेट और एक जो मेन डोर है वो वाला। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ, सिंपली मेन डोर की तरफ भागने वाला हूँ इसकी नजरों से बच के, और आई गेस मुझे अपना ये घर खाली छोड़ के भागना पड़ेगा। बट उससे पहले जरा डिस्कस कर लेते हैं आखिरकार लास्ट टाइम हुआ क्या था। ये डिस्कस करने वाली सिचुएशन तो नहीं है भाई, क्योंकि अगर वो आ गई देन खोपड़ी फूटना तय है भाई, लेकिन फिर भी मैं डिस्कस करूंगा। तो लास्ट टाइम मैं बस यूं ही कैजुअली अपनी गाड़ी लेके आ रहा था, एक्चुअल में भाई मैं कहीं और से आ रहा था, मस्त अपनी गाड़ी लेके कैंपिंग पे गया था यार, क्या ही छुपाना तुमसे। और वही जंगली जानवर वगैरह मिले तो मैं भागने लग गया वहाँ गाड़ी से, और फिर मैंने सोचा शॉर्टकट लेके घर की तरफ चलते हैं, बट रास्ते में मेरी गाड़ी को पता नहीं क्या हो गया, वो गाड़ी पूरी तरीके से आग वाग लगी भाई, उसके इंजन फूक गया। फिर भी मैं उसको चला रहा था, फिर रास्ते में मुझे एक बंदा मिलता और वो कहता कि आगे मत जाना वरना तुम्हारा मेरे जैसा ही हाल होगा, और फिर वो कहता है कि आगे ग्रैनी मिलेगी। मैं उसकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ और आगे गाड़ी लेके चला जाता हूँ, बट मेरी गाड़ी आगे जाने के बाद, थोड़ी सी आगे जाने के बाद बंद पड़ जाती है भाई। फिर बगल में मुझे एक घर दिखता है, मैं सोचता हूँ चलो यार इस घर में आज रात रुक जाते हैं, सुबह चलेंगे, क्योंकि बंद गाड़ी लेके मैं कहाँ ही जाऊँ। तो फिर मैंने प्लान किया उस घर में अंदर जाने के, बट उससे पहले कोई आया और पीछे से मार दिया भाई उसने बेसबॉल बैट से, और वो था ये ग्रैनी। जब मुझे होश आता है भाई तो मैं होता हूँ ग्रैनी के घर पे, जहाँ पर काफ़ी सारी पजल्स का यूज़ करके कार एस्केप करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो ग्रैनी के घर को पूरा एक्सप्लोर करता हूँ मैं, एंड देन वहाँ पर मुझे एक गाड़ी दिखती है तो मैं कार एस्केप करने की कोशिश करता हूँ, एंड यस मैं कार एस्केप कर लेता हूँ भाई बिना किसी दिक्कत के। मतलब दिक्कत तो होती है ऑब्वियसली, कई बार ग्रैनी पीटती है, बट स्टिल कार एस्केप कर लेता हूँ मैं, और कार एस्केप करके गाड़ी लेके मैं घर पे आ जाता हूँ। बट ये ग्रैनी पीछा करते करते यहाँ भी आ जाती है, बट अभी यहाँ से भी मैं भागने वाला हूँ गाइस। चलो लेट्स गो एवरीवन, लेट्स गो क्विकली। एक काम करते हैं, जो ग्रैनी की गाड़ी लेकर आया था मैं वो बाहर ही खड़ी है, तो उसे ले लेते हैं और निकलते हैं उसे लेके यहाँ से। चलो भाई फटाफट फटाफट, मेरी टॉर्च है ना भाई मेरे पास, एक सेकेंड। नहीं है मेरी टॉर्च, मैं नीचे ही भूल गया शायद। वेट गाइस जल्दी लेकर आता हूँ। अबे लेकिन एक सेकेंड, वो टॉर्च लेने की क्या ज़रूरत है जो ग्रैनी के घर में मिली थी, मेरे घर में खुद भी टॉर्च है यार। रुको यहाँ से पिक कर लेते हैं। आई नो अब तुम लोगों का सवाल ये होगा कि भाई टॉर्च ही क्यों लेनी है, क्योंकि देखो गाइस मेरी किस्मत के बारे में तुम्हें पता ही है। अब इस ग्रैनी से भागते भागते मैं कहाँ जाऊँगा, किस रास्ते पे जाऊँगा, किस ओर जाऊँगा, कोई पता नहीं है, इसलिए टॉर्च मैंने ले लिया भाई पहले ही। और अभी ग्रैनी की जो गाड़ी है ले गए फटाफट, भागते आ जाओ। ओ नो, ओ नहीं भाग सकते। वेट व्हाट द हेल इज दिस भाई, इसकी गाड़ी में बैठते ही आग कैसे लग गई, सीरियसली आर यू सीरियस भाई। मैं जस्ट जैसे ही गाड़ी में बैठा भाई ये तो आग लग गई ग्रैनी की गाड़ी में। ओ नो, ये गाड़ी की ब्लास्ट होने की आवाज़ सुन के वो ग्रैनी ऑब्वियसली बाहर आएगी। इससे पहले कि वो बाहर आए मैं भाग लेता हूँ यार यहाँ से, कोई और गाड़ी रोकने की कोशिश करते हैं, कोई और गाड़ी नज़र तो नहीं आ रही है। तो यार ऐसे तो मेरी गली में भाई गाड़ियाँ रात के एक एक दो दो बजे तक चलती हैं, बट आज कोई भी गाड़ी नहीं चल रही है, कहाँ जाऊँ मैं यार। अबे यार वो तो अभी तक ब्लास्ट ही नहीं हुई, मैं तो अभी तक बैठ के आगे चला गया होता। ओ नाइस, ब्लास्ट नहीं हुई, वाओ अमेजिंग, चलो चलो चल के बैठते हैं। ओ शिट, ओ भाई, ओ नो, भागो भागो, ग्रैनी आएगी ग्रैनी आएगी ग्रैनी आएगी, ये ब्लास्ट के बाद सुन के डेफिनेटली वो आएगी, इससे पहले वो मेरे पीछे आए। भागो 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 भागो, कहाँ भागो लेकिन, अरे लेकिन कहाँ भागो कहाँ यार, वो कैसी गाड़ी है आजकल की, कैसी गाड़ियाँ होने लग गई है, लेकिन वो आजकल की थोड़ी ना, वो तो पता नहीं कितनी पुरानी गाड़ी है, ग्रहणी की गाड़ी थी वो, उसके घर से एस्केप करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया था गाइस, बट कोई बात नहीं। अब ये ग्रहणी मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गई है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अपने घर में भी वो खुद ही ले गई थी, शायद वो भड़क गई है भाई, या तो मेरे को टपका के ही मानेगी, बट उसके पास कितने मौके आए टपकाने के भाई, पता नहीं आखिरकार चाहती क्या है वो। खैर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस वाले रोड पे, और मुझे बस एक अब बाइक वाइक या गाड़ी वाड़ी, कोई सा भी व्हीकल चाहिए, कोई सा भी व्हीकल चलेगा, आई मीन लिटरली मैं भाई कोई सा भी व्हीकल चलेगा, बस व्हीकल होना चाहिए। अरे कोई है क्या इस होटल में, कोई नहीं है, बस व्हीकल होना चाहिए, मैं लेके निकल जाऊँ यहाँ से, व्हीकल लेके मैं निकल जाऊँगा भाई, कहाँ लेके निकल जाऊँ मैं, हाँ उसके घर निकल चलते हैं, लेस्टर के घर सेफ रहेगा, पहले तो यहाँ से भागते रहो यार। अबे कोई गाड़ी वाड़ी है भी इस दुनिया में कहीं भी, ओ मिल गई, ओ मिल गई, ओ मिल गई भाई, गाड़ियाँ मिल गई फाइनली, थैंक यू
थैंक यू वेरी मच, सही गाड़ी मिल गई एकदम। चलो भाई अब इसको लेके मैं लेस्टर के घर जा रहा हूँ। भाई इस वक्त सबसे सेफ जगह मुझे उसी का घर लग रहा है। वैसे भी ग्रैनी को क्या पता मेरे कितने दोस्त हैं और कहाँ कहाँ घर है उनका। यस गाइस क्विकली लेस्टर के घर की तरफ निकलते हैं और वहीं टिक जाएंगे आज रात के लिए। आज रात निकालनी है बस, क्योंकि देखो गाइस भूत कितने भी डेंजरस हो दिन में उतना डर नहीं लगता है, रात को हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए आज रात निकालना ज़रूरी है किसी तरीके से। यार गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, ये देख रहे हो तुम लोग, हल्की से टक्कर लगते भाई गाड़ी पिचक गई साइड से। बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की सी गाड़ी है, तो कोई बात नहीं, क्विकली लेस्टर के घर निकलते हैं। क्विकली फास्ट चल मेरी गाड़ी और फास्ट। ओके बढ़िया पहुँच गए यार, कितनी जल्दी पहुँच गए तुम लोग, देख रहे हो बातों बातों में हम लोग लेस्टर के घर पर पहुँच गए हैं। आई होप लेस्टर बस इसका घर सेफ हो यार। हाँ होप सेफ होगा, ग्रैनी को नहीं पता है यार मेरे कितने दोस्त हैं कहाँ कहाँ उनके घर है। ओके अब बस लेस्टर से हेल्प लेके सो जाते हैं इसके घर पे, कल सुबह होते ही निकल लेंगे। लेस्टर लेस्टर बड्डी बड्डी चड्डी बड़ी लेस्टर। ओ दरवाज़ा खुला क्यों कर रखा है इस लेस्टर ने, पागल है क्या भाई, रात को दरवाज़ा खुला कौन रखता है, नमूना है भाई ये लेस्टर। भी रुको गाइस इसका दरवाज़ा, एक सेकंड दरवाज़ा लॉक करते हैं। ओके दरवाज़ा लॉक कर दिया है, ये लेस्टर भी नमूना ही है। ओए लेस्टर भाई उठ, अबे उठना सोयो बाद में, पहले उठ और मेरी बात सुन। लेस्टर बड़ी इधर इधर आ, सुन मेरी बात। देख भाई मेरे संग बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब ट्रेजेडीज हो रही है भाई। देख मैं तुझे पूरी की पूरी बात शुरू से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हुआ कुछ यूँ भाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं शुरू से तुझे पूरी बात एक्सप्लेन करूँ, तो इसलिए शॉर्टकट में सुन। ग्रैनी के घर पे गलती से गया, ग्रैनी के घर पे गया नहीं मतलब ग्रैनी के घर के आजू बाजू गया गलती से। ग्रैनी ने पीट दिया और पीट के अपने घर के अंदर उसने भाई एकदम लॉक कर दिया मुझे। जैसे तैसे कार एस्केप करके वहां से भागा हूं मैं, बट वो ग्रैनी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या क्या सवाल पूछ रहा है, अबे तू क्या सवाल पूछ रहा है भाई लेस्टर पागल। यार ये लेस्टर का दिमाग आधी रात को चलता नहीं है क्या, कह रहा तुम्हारी ग्रैनी अभी तक जिंदा। अबे मेरी ग्रैनी नहीं, मेरी नानी दादी कोई नहीं, ये ग्रैनी वो घोस्ट, ये मेरी रियल ग्रैनी दादी नानी पे पहुंच गया। नहीं रियल ग्रैनी नहीं, वो घोस्ट ग्रैनी। होश में आ लेस्टर भाई, घोस्ट ग्रैनी जानता है, वो जो घोस्ट है ग्रैनी है, वो जो लोगों को बंद में बंद कर लेती है, आई मीन अपने घर में, समझ रहा है तू। ओके फाइनली अब ये समझा, तो वही मेरे पीछे पड़ चुकी है भाई, उसी से बचने के लिए मैं तेरे घर पे आया हूँ। तो क्या मैं आज रात यहाँ पर सो सकता हूँ, मना तो कर रहा है गाइस, बट मैं फिर भी तेरी बात नहीं सुनने वाला। थैंक यू लेस्टर, गुड नाइट लेस्टर, जगह देख के तू सो जियो। गुड नाइट, हम दोनों दोस्त सो चुके हैं। मैं क्या सोचा था यार, इस दरवाजे को भी लॉक कर दूँ क्या, बाहर वाला दरवाजा तो देखो लॉक कर ही दिया है, इसको भी लॉक कर देते हैं। क्यों भाई लेस्टर, क्या ये दरवाजा जाम हो रखा है। अबे भाई तू भी नमूना ही है, कैसा घर है भाई तेरा, ये दरवाज़ा जाम हो रखा है भाई, ये दरवाज़ा हिलेगा नहीं अपनी जगह से, क्यों ऐसे दरवाजे रख रखे हैं तूने। खैर गुड नाइट लेस्टर बड़ी, गुड नाइट, अब कल सुबह ही उठाइयो भाई मेरे को। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। ओके अबे ये आवाज़ कहाँ से आई, अबे फिर से ये आवाज़ कहाँ से आई, ये बेल बज रही है क्या। बे लेस्टर भाई इतनी रात को कौन आया है तेरे घर पे, तेरा क्लाइंट, कौन सा क्लाइंट। ओके किसी के लिए तो हैकिंग वैकिंग कर रहा है, ठीक है गाइस देखता हूँ मैं। हाँ भाई परेशान कर दिया, किसके घर पे आ गया जिसके आधी रात को भी क्लाइंट आ रहे हैं। हेलो कौन है भाई, क्या काम है। ओ नो मैं तो गया, भागो। ओ नो भागो 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 कैसे भागो, आखिरकार कैसे पैदल पैदल भागो। ये ग्रैनी हर गाड़ी ब्लास्ट कर कैसे सकती है भाई, कैसे। मैं कहाँ भाग के जाऊँ। ओ नो लेस्टर सोच रहा होगा गाइज उसका क्लाइंट आया है। ओ नो वो ग्रैनी लेस्टर को नहीं छोड़ेगी। देखो गाइज लेस्टर मेरा दोस्त है, उसने मेरी छुपने में हेल्प की, आई गेस मुझे उसकी जान बचानी चाहिए, क्योंकि लिटरली मैं उसकी जान खतरे में है भाई। लेस्टर को अगर उस ग्रैनी ने टपका दिया तो वो नहीं 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 ऐसा रिस्क नहीं ले सकते। एक काम कर रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ गाइस लेस्टर को बचाने के लिए, मैं जा रहा हूँ भाई। उसने बताओ अपनी मतलब मेरी हेल्प की यार, अपने घर में छुपाया अपने ऐसे दोस्त को, भाई ऐसे ही थोड़ा ना छोड़ सकता हूँ। एक काम करता हूँ भाई, ग्रैनी तो आगे वाले दरवाजे की तरफ है, मैं पीछे वाले दरवाजे से लेस्टर के घर के अंदर घुसता हूँ एंड देन उसकी हेल्प करता हूँ, उसको जगा के और भगा ले जाएंगे भाई अपने साथ ही। ओके चलो आ जाओ, नाइस, ओके वेरी नाइस, ठीक है इधर आ जाओ। और ये वाला है रास्ता लेस्टर के घर के पीछे वाला, लेट्स एंटर। ओके ओ नो शायद वो घर के अंदर ही आ चुकी है, ओह शिट मैं क्या कर रहा हूँ। ओके लेस्टर होश में है, मतलब इसने पीटा नहीं है गाइस लेस्टर को।
तो इसकी ये दुश्मनी सिर्फ मेर से है? अरे मैंने क्या बिगाड़ दिया यार, ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा है भाई इस ग्रैनी का कि ये दुश्मनी मेरे से ही निकाल रही है। वो लेस्टर तो बिल्कुल चिल हो के सो रहा है यार, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। अदे भाई पीट ना उसे भी यार, मैं तो अपने दोस्त को बचाने आया है जो कि खतरे में मुझे लगा होगा, लेकिन वो तो कहीं खतरे में नहीं, वो तो बिंदास सो रहा है यार। बल्कि ग्रैनी तो उसे पीट भी नहीं रही है, ग्रैनी तो चली गई यहाँ से भी। अबे भाई यार लेस्टर, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं टिक सकता, वो फिर आ जाएगी। भागो बाहर पीछे वाले रास्ते से। बट कुछ भी कहो गाइस, लेस्टर की किस्मत स्टिल मेर से बढ़िया है। बताओ ग्रैनी उसके सामने थी, लेस्टर बिंदास सोया रहा, फिर भी उसने उसको कुछ भी नहीं किया, एक डंडा तक नहीं मारा है, और मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। मैं कहाँ जाऊँ यार, मैं तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से पीट रही है वो, सीरियसली में। ओके वेट, कोई तो जगह होगी दुनिया में जहाँ पर मैं जा सकता हूँ। ठीक है, अरे कहाँ छुपू, ये टेंट में थोड़ी ना छुप सकता हूँ मैं। वेट अ सेकेंड, किन गलियों से किन रास्तों से कहाँ जा रहा हूँ, आई हैव लिटरली नो आइडिया, बट आई गेस कहीं तो जा रहा हूँ मैं। ये तो हॉस्पिटल सा लग रहा है, हॉस्पिटल सा लग क्या रहा है, ये हॉस्पिटल ही है। ओके हाँ हॉस्पिटल ही है भाई। खैर भागो पहले तो यहाँ से, पहले मेरे को एक गाड़ी या बाइक चाहिए, समथिंग लाइक दिस। कुछ मिलेगा इधर यार, कोई एक जगह चाहिए जहाँ मैं छुप सकूँ, कोई सी भी जगह चलेगी। ये एक फायर हाउस है, फायर हाउस नहीं, क्या बोलते हैं, वॉश टावर, हाँ वॉश टावर है ये एक्चुअल में फायर ब्रिगेड का ऑफिस है, और यहाँ पर ये वॉश टावर है। इन लोगों ने ये वॉश टावर इसलिए लगाया ताकि ये लोग यहाँ पर चढ़ के देख सकें भाई कहीं आग वाग तो नहीं लगी है, इसलिए। यहाँ एग्जैक्टली मैं छुप सकता हूँ भाई, दिस इज मच बेटर प्लेस। ये देखो गाइस, ये है वॉश टावर, यहाँ से ये लोग खड़े होकर देखते हैं कि भाई कहीं धुआं हुआ तो नहीं निकल रहा, कहीं आग तो नहीं लगी है। बस काम करता हूँ, इस जगह को मैं एज अ हाइडिंग स्पॉट यूज कर सकता हूँ। काम करते हैं यार, रूम में चलते हैं, बढ़िया, एंड देन यहीं छुप जाते हैं। ग्रैनी को बिल्कुल पता नहीं चलेगा गाइस कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ। चिल, बिल्कुल चिल गाइस। गुड नाइट एवरीवन, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह। प्यास लगी है भाई बहुत जोर से। अबे भाई ये क्या है, ये ग्रैनी, इसे कैसे पता लग रहा है? अबे मेरे अंदर GPS फिट कर दिया क्या इसने? ओह नो, यहाँ से मैं इस खिड़की से जा रहा हूँ, कम ऑन गाइस। ओह नो, नीचे खिड़की की जगह नहीं थी। बच गए, भागो, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मैं आखिरकार जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, ये ग्रैनी तो भाई बेसबॉल बैट लेके पीछे ही पड़ गई है, इसे आउट रन भी नहीं कर पा रहा मैं, सीरियसली। मैं तुम लोग देखो भाई उसकी स्पीड कितनी तेज है। अरे भाई क्या स्पीड है इसकी, कुछ ज्यादा ही तगड़ी है, बल्कि बहुत ज्यादा तगड़ी है। अबे इतनी भी कोई स्पीड होती है क्या? ओह नो, व्हाट शुड आई डू, मैं बहुत ज्यादा फास्ट दौड़ रहा हूँ यार, मैं कैसे इसे आउट रन करूँ? इसे आउट रन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, मुझे कोई व्हीकल चाहिए, बट मुझे कोई व्हीकल नजर आ नहीं रहा है। क्या हो रहा है मेरे संग, ये लॉस सैंटोस में लोग क्यों नहीं है? ओके मैं कबड्डी क्यों खेल रहा हूँ, आई हैव नो आइडिया। लॉस सैंटोस में यार लोग क्यों नहीं होते आधी रात को? ओह नो, मैं कहीं तो कूद गया भाई उससे बचने के चक्कर में, वो नहीं कूदी है। ओह वो कूद गई क्या? क्या आर यू सीरियस भाई, नाले में कूद गई वो। ठीक है, द सिक्योर यूनिट 24 घंटे एक्सेस, क्या है ये? पता नहीं किसी सिक्योरिटी वाले रूम की तरफ आ चुका हूँ मैं, मे बी यहाँ पर मैं सेफ हूँ। रुको यार, कोई व्हीकल मिलेगा मुझे प्लीज, आई रिक्वेस्ट। हेलो एवरीवन, कोई व्हीकल है क्या? ओके, शायद आउट रन कर दिया है। ओ नहीं, वो ऊपर चढ़ के आ गई, लेकिन फिर भी काफी पीछे छोड़ दिया है। कोई भी व्हीकल चलेगा, कोई भी व्हीकल है क्या? है क्या कोई व्हीकल? कोई सा भी व्हीकल चलेगा यार। ओ वाओ, दिस इज ग्रेट, दिस इज लिटरली ग्रेट। बाय ग्रैनी, कहाँ हो? बाय बाय। चलो भाई, ओ फाइनली एक बाइक मिल गई। ओ क्या बाय बाय, रास्ता कहाँ है? वेयर टू गो नाउ भाई, कौन सी जगह है ये? एक सेकेंड, और रास्ता कहाँ है यहाँ से? ओके ये रहा रास्ता, आई गेस ये जगह कौन सी, मैं तो यही कंफ्यूज हो गया। ओके पता नहीं कौन सी जगह थी ये। फिलहाल मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कोई सेफ स्पॉट ही नहीं मिल रहा, सीरियसली। मैं गाइस तुम लोग देखो, लॉस सैंटोस में मैं बस भटक रहा हूँ, और ये ग्रैनी हर जगह बस आए जा रही है। पता नहीं ये चाहती क्या है आखिरकार, सीरियसली मैं ये चाहती क्या है भाई। ओके मैं बस भागने की कोशिश कर रहा हूँ। वेट, अभी आया एकदम सॉलिड तगड़ा और एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्लान। अब प्लान सुनो गाइस, मैं ढूंढ रहा हूँ लॉस सैंटोस में इस वक्त सेफेस्ट प्लेस, ठीक है? ओ क्या गाड़ी थी ये? हेलो सर, गाड़ी मिलेगी क्या आपकी? बढ़िया, चलो गाइस गाड़ी छीन के भागते हैं। ओ नो, भगा ले गया, छोड़ो यार, मैं मेरी बाइक ही ठीक है। तो मैं कह रहा था भाई कि लॉस सैंटोस में मैं ढूंढ रहा हूँ इस वक्त द सेफेस्ट प्लेस, और सेफेस्ट प्लेस आखिरकार कौन सी हो सकती है? जस्ट थिंक भाई, सेफेस्ट प्लेस इज
द पुलिस स्टेशन। यस एवरीवन, द सेफेस्ट प्लेस इज द पुलिस स्टेशन। इधर गाड़ियाँ दिख रही है भाई, अरे वाह। खैर अभी मुझे गाड़ी की जरूरत नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बाइक है। तो मैं कह रहा था कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है भाई पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस स्टेशन में भाई पुलिस वाले पहरा देते रहेंगे, भूत भूत के आने का कोई सीन ही नहीं, ग्रैनी के आने का सीन ही नहीं, ग्रैनी ने आने की कोशिश की खोपड़ी उड़ा दी जाएगी। बहुत ही सॉलिड प्लान है। तो आई गेस यप, चलते हैं पुलिस स्टेशन। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और कहूंगा कि सर मेरे को एक रात रुकने दो जेल में, तब थोड़ी ना वो लोग रुकने देंगे, कुछ तो क्राइम करना पड़ेगा। एंड आई नो व्हाट टू डू, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले किसी अमीर बंदे के घर में चलते हैं, छोटी मोटी चोरी करने की कोशिश करते हैं एंड देन खुद को ही पकड़वा देते हैं। आ जाओ भाई, ये ठीक है घर, नाइस हाउस, चलते हैं इधर चोरी करने के लिए। ओए चोर आया, ओए चोर आया, चोर आया भाई, चोर आ गया, ओ चोर आ गया, हेलो चोर आ गया तुम्हारे घर में, ओए चोर आया, ओ नो पकड़ा गया। सॉरी सर, मैं वो जस्ट आपके घर में छोटा सा डाका डालने आया था, आई मीन चोरी करने के लिए आया था। सर प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करना सर, आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़ डोंट कॉल पुलिस सर, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू सर, प्लीज़ पुलिस को कॉल मत करना। जो सोचा था एग्जैक्टली वो बंदा कर रहा है, वो बंदा सोच रहा है कि उसने मुझे पकड़ लिया, बट उसे क्या पता कि ये तो मेरा प्लान था भाई, ताकि मैं आज रात पुलिस स्टेशन में बिता सकूँ, सबसे सेफ जगह है गाइस। चल भाई कब आ रहे हैं सर पुलिस वाले? अरे सर आपने पुलिस को कॉल कर ही दिया। लगता है गाइस पुलिस वाले आ गए भाई, सायरन वायरन की आवाज़ तो आ रही है। क्या बात है यार, प्लान के मुताबिक ही सब कुछ हो रहा है, बहुत ही सॉलिड प्लान था मेरा ये। सर सॉरी सर, वो छोटी सी चोरी करते हुए पकड़ा गया मैं सर, मैं बस ये पौधे वौधे चुराने आया था, ये गमले वगैरह और वो टेबल चेयर चुराने आया था सर, सॉरी गलती हो गई। पुलिस स्टेशन ले जाओगे? ठीक है ले जाओ, यही तो चाहिए था। ओके गाइस, कंप्लेंट के अकॉर्डिंग ये लोग अभी मुझे फिलहाल पुलिस स्टेशन लेकर जाने वाले हैं, और ये जो सामने की तरफ पुलिस वाला चल रहा है, ये कह रहा है कि तुमने भले ही छोटा ही क्राइम सही, लेकिन क्राइम तो किया है, इसके लिए तुम्हें एक रात तो जेल के अंदर काटनी पड़ेगी। एग्जैक्टली सर, वही तो चाहता हूँ मैं। वाओ दिस इज एपिक भाई, क्या सॉलिड प्लान था और क्या सॉलिड तरीके से वर्क कर गया। इसे कहते हैं एकदम तगड़ी तरीके से दिमाग का यूज़ करना। खैर अभी यहाँ से इधर चलते हैं, और ये किधर लेकर जा रहा है, कौन से जेल में लेकर जा रहा है? अबे लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी जेल में तो नहीं ले जा रहा ये? नहीं, उधर जाने के लिए तो उधर जाना पड़ता, बट ये तो इधर कहीं से लेके जा रहा है। ठीक है चलो गाइज मिलते हैं डायरेक्टली अभी जेल के अंदर। पहली बार जेल मेरे लिए फ़ायदा करने वाली है भाई, वरना हमेशा जब भी जेल के अंदर मैं फंस जाता हूँ गुस्सा आती है और मैं जल्द से जल्द वहाँ से निकलने की भागने की कोशिश करता हूँ। बट फर्स्ट टाइम एवर यहाँ पर मैं जेल के अंदर जा रहा हूँ और मुझे खुशी हो रही है भाई, ये सीरियसली भाई अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही बढ़िया सर। ऐसे ही आप ड्यूटी करते रहो और चोरों को पकड़ते रहो और मुझे जेल के अंदर फटाफट से डाल दो। सबसे सेफेस्ट प्लेस और सबसे बढ़िया खेल गया मैं, ये ग्रैनी का पोपट कर दिया भाई। अब उसकी औकात नहीं है कि जेल के अंदर आके पुलिस वालों से लड़ ले, क्योंकि वैसे ही ये लोग राइफल वाइफल लेके घूमते रहते हैं, खोपड़ी उड़ा दी जाएगी उसकी। खैर सर थोड़ा और फास्ट चला लो, सड़कें पूरी खाली है, आप फिर भी स्पीड लिमिट में चला रहे हो, हद है यार ये पुलिस वाले भी। खैर मुझे क्या, पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं, बस बात खत्म। ओके पुलिस स्टेशन आ चुके हैं, यस गाइस इसी वाले पुलिस स्टेशन लेकर आए हैं यार, बढ़िया। मुझे तो लगा यार वो बड़ी वाली जेल में लेकर जा रहे हैं, लेकिन नहीं यही वाले जेल में लेकर आए हैं, नाइस। ओके बच गया भाई, ग्रैनी से बच गया। ओके चल रहे हैं भाई, कौन सी जेल में डालोगे सर? किसी भी जेल में डाल दो, आई एम रेडी भाई साहब। रात के टाइम पे भी आज के लिए इतने पुलिस वाले काम कर रहे हैं पुलिस स्टेशन में, लगता है क्राइम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ओके तो अभी मुझे ये जेल की तरफ लेकर जा रहे हैं, मुझे पता है भाई रास्ता बताने की ज़रूरत नहीं है, सच में गाइस मुझे सारे रास्ते पता है भाई, कितनी बार आ चुका हूँ मैं लॉस सैंटोस की इस जेल में। नीचे की तरफ 3 सेल्स हैं ये भी पता है, पुलिस स्टेशन से भागने के 2 रास्ते हैं ये भी पता है। खैर लगता है ये वाले जो पुलिस वाले भाई साहब है ये मेरे को अच्छी तरीके से पहचानते नहीं है, बट मैं इस जेल को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। ओके भाई फुल सिक्योरिटी होने वाली है, और कोई भी बंदा मुझे नज़र नहीं आ रहा है भाई जेल में। यस गाइस कोई और नहीं नज़र आ रहा है, पूरी सेल्स खाली हैं। ओके यहाँ पर बंद करना है सर आपको, ठीक है कर दो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो गाइज दिस इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन द लॉस सैंटोस राइट नाउ,
इससे सेफ कोई जगह नहीं है भाई। तुम लोगों ने देखा रास्ते में कितने पुलिस वाले थे, मतलब रास्ते में नहीं, ये पुलिस स्टेशन के अंदर कितने पुलिस वाले हैं। अब तुम लोग इसी बात से अंदाजा लगा लो, अगर ग्रैनी को मुझ तक पहुंचना है तो उसे कितने पुलिस वालों से लड़के आना पड़ेगा। सबसे पहले जो सामने पुलिस वाला था, फिर एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था पुलिस वाला वहां पर, फिर एक रिसेप्शन पे था, फिर दो पुलिस वाले यहाँ थे, फिर एक तो जस्ट सेल के बगल में था, और जो दो पुलिस वाले मुझे यहाँ तक छोड़ने आए, तो 8-9 पुलिस वाले हैं भाई टोटल। और अगर ग्रैनी ने हिम्मत की यहाँ तक आने की, जो कि वो बिल्कुल नहीं करने वाली, बट स्टिल अगर उसने हिम्मत की तो पीट दी जाएगी भाई, इतने सारे वेपन्स है। खैर टॉर्च का तो यूज ही नहीं हुआ भाई, टॉर्च लेके आया था मैं घर से, कोई बात नहीं अभी मैं चिल कर सकता हूँ आराम से, बिल्कुल चिल कर सकता हूँ मैं, क्योंकि आने ही नहीं वाली है यार ग्रैनी। अब जो होने ही नहीं वाला चीज उसके बारे में टेंशन क्यों लेनी है। तो अभी गुड नाइट। अबे यार ये कैसा बेड है भाई, कैसे सोऊं मैं, इस पे सोना पड़ेगा क्या यार, ये भी तो सही है, सो क्यों नहीं पा रहा, मैं तो गिर रहा हूँ बार बार। हेलो एक्सक्यूज मी, व्हाट द हेल इज दिस भाई, क्या है ये सच में। ओके नाइस वेट, हाँ ओके, तो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, और मिलते हैं कल सुबह, गुड नाइट। ओह शिट, एक सेकंड में सपना देख रहा हूँ क्या, मुझे लग रहा है गाइस मैं सपना ही देख रहा हूँ भाई, या फिर ये ग्रैनी सच में, नहीं नहीं सपना चल रहा है, सपना चल रहा है यार, मैं जेल के अंदर आया था और सो रहा था, ऐसे अजीबो गरीब तो सपने आते ही हैं। नहीं वेट, आर यू लिटरली सीरियस भाई, ग्रैनी कैसे कैसे यहाँ पर कैसे, अरे यार कैसे, ये कैसे हो सकता है, ये पीछे वाले गेट से तो नहीं आई, लेकिन वहां पर भी तो काफी सारे पुलिस वाले रहते हैं, ये कैसे आ गई ये ग्रैनी, ये बच्ची भाई कैसे घर के, मतलब घर नहीं, ये क्या, ये पुलिस स्टेशन में कैसे, कैसे सबसे सेफेस्ट जगह चुनी थी भाई लॉस सैंटोस में, इस जगह तक आने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तुम लोगों ने खुद देखा भाई, चोरी करने गया, फिर वहां पर मैंने ये कहा कि मैं गमले चुराने आया हूँ, टेबल चुराने आया हूँ, कुर्सी चुराने आया हूँ, बंदे को मजबूर किया कि भाई वो पुलिस को कॉल करे, पुलिस आए, पुलिस मुझे ले जाए, पुलिस वाले ले गए, जेल मिला, फिर भी ये ग्रैनी यहाँ पर कैसे पहुंच गई। ओह शिट भाई अब मैं क्या करूँ, अबे लेकिन एक सेकेंड, यहाँ तक पहुंच गई लेकिन चाबी थोड़ी ना इसके पास, सेल में थोड़ी ना आ जाएगी भाई, ये सेल में आने का दम नहीं है इसके पास, पता नहीं ये यहाँ तक कैसे पहुंच गई एक डंडा लेके, आई हैव नो आइडिया, बट फिर भी गए सेल में थोड़ी ना आ जाएगी, अरे इतनी औकात थोड़ी ना है इस ग्रैनी की, आज दम है तो आ जा, इतनी औकात नहीं है भाई इसकी, यस सेफ तो हूँ भाई, सेफेस्ट प्लेस तो चुनी है मैंने ये, इतनी औकात तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये सेल के अंदर आ गई, सीरियसली क्या ये सेल के अंदर कैसे आ गई भाई, ये ग्रैनी सेल में, सॉरी आंटी अम्मा ग्रैनी जो भी हो आप, सॉरी रियली वेरी सॉरी, लेकिन क्यों मेरे पीछे हाथ धोके क्यों पड़ी हो, मैं क्या करूँ गाइस, मैं कहाँ से भागूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नाउ व्हाट शुड आई डू, आई हैव नो आइडिया। ओ भाई इसने तो पकड़ ही लिया है, ओ नो ड्रॉप कर दिया, अरे मेरा तो खिलौना बना दिया भाई, अरे खिलौना ही बना दिया बिल्कुल ही, अरे ये तो कहाँ लेके जा रही है भाई, इसने पुलिस वालों को मार दिया है, ओ भाई इसने पुलिस वालों को मार दिया है, ठीक है ठीक है पुलिस वालों को मार दिया भाई, ओके ये ग्रैनी के पास पावर्स भी हैं, ओ सारे पुलिस वालों को मार दिया मुझे लग रहा है, यस गाइस ओ यस इसने सबको मार दिया है, ओ ये ग्रैनी को तो जितने हल्के में ले रहा था उतने हल्के में नहीं लेना चाहिए भाई, इसने लिटरली में गाइस, ओ शिट ओ नो, ओ भाई का पीट रही है ये, ओ भाई कितनी पावर्स है इसके पास, आर यू सीरियस, ओ गाड़ी फेंक के मार दी भाई, अब कहाँ बच के जाओगे, अब तो चारों तरफ से घिर चुका हूँ मैं लिटरली में भाई, आई एम लिटरली ट्रैप्ड गाइज, अब नहीं बच पाऊँगा मैं, गया मामला पानी, बाय बाय गाइज सीरियसली में भाई, ओ शिट एक और थ्रो गाड़ी का, फिर से गाड़ी थ्रो करेगी ये मुझे पता है, ओ नो मुक्का मारेगी ये, ओ शिट ओ ओ ओ बस कर भाई, क्या बिगाड़ दिया मैंने, हाथ धो के पीछे ही पड़ गई है भाई, सीरियसली मैं हद धोती है किसी चीज की, और भाई क्या कर रही है ये, इतनी पावरफुल ग्रैनी, हाँ लेकिन ये G5 वाली ग्रैनी है भाई, ये इतनी पावरफुल कैसे, आई हैव नो आइडिया, ये कहाँ जा रही है, ये फिर गाड़ी उठाने जा रही है, ओ नो ये फिर गाड़ी फेंक के मारेगी, ओ फेंक दिया, यस ऑब्वियसली इसने गाड़ी उड़ा दी मेरे ऊपर वंस अगेन, और ये फिर से गाड़ी की तरफ जा रही है, गाड़ी फिर से लेकर आ गई है, फिर से मेरे ऊपर गाड़ी फेंक रही है, ओह शिट आई एम ट्रैप्ड गाइस, आई एम टोटली ट्रैप्ड भाई, अब कोई तरीका नहीं है यहाँ से बचने का, ओके शायद ये कंफ्यूज हो गई है,
यस, इसे लगता है मैं दिख नहीं रहा भाई। अबे दिख गया यार, पेड़ के पीछे ही तो छुपा था। शिट, ओके बच गया। फिर पीट रहा शुरू। ये चाहती क्या है यार, पहले मेरे कोई ये बताओ आखिरकार ये ग्रैनी चाहती क्या है। फूट दिया यार सीरियसली मैं पकड़ के। अब क्या उठा लिया इसने पता नहीं, लैम्प वैम्प। ओके ये अलग अलग चीजें थ्रो कर रही है और इस बार मुझे पकड़ लिया है। ओह नो, एक बंदा ने देख लिया। वो दो पुलिस वाले भी हैं। अच्छा ये दो पुलिस वाले वही है क्या जो मेरे को पकड़ के लाए थे? शायद ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे गाइज। ओह नो, इनको भी खत्म कर दिया। वो पुलिस वाला उधर देख रहा है। अबे तेरे पीछे है ग्रैनी। भाई चारों को निपटा दिया यार, बट मुझे नहीं मार रही है ये जान से पता नहीं क्यों। ओके ये पुलिस वाला भी जान से नहीं मरा है लेकिन शायद अब मर जाएगा। यस ऑब्वियसली, बट ये मेरे को क्यों नहीं छोड़ रही है भाई? मेरे पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गई है ये? पता नहीं भाई। ओ क्या छलांग है भाई इस ग्रैनी की। क्या ये ग्रैनी तो एक सुपर विलन निकली भाई। सुपर विलन सीरियसली? मैं इतना पीट दिया है बट अपने फ्रैंकलिन की तुम लोग हेल्थ देखो भाई, अभी तक जिंदा है। लेके कहाँ जा रही है? डॉन से की अपने घर की तरफ लेके जा रही है। प्लीज डॉन से, प्लीज डॉन से, ये कहाँ लेके जा रही है? कहाँ पहाड़ पे? आई हैव नो आइडिया भाई, ये कहाँ कहाँ लेके जा रही है ये? अबे ओ यस, मुझे लग रहा है गाइस ये अपने घर की तरफ ही लेके जा रही है। मैं तो गया, मैं तो डेफिनेटली गया, मैं तो बुरी तरीके से गया, बचना नामुमकिन है। ये देखो भाई किस तरीके से लेके जा रही है ये। ओके तो इसीलिए ये मेरे को नहीं मार रही थी, ये कुल मिला के मेरे को वापस अपने घर में ट्रैप करना चाह रही है। बट वाई, सीरियसली वाई भाई, आखिरकार क्यों? पता नहीं ये क्या करना चाह रही है, क्या पता फ्रैंकलिन को ये तड़पा के मारना चाह रही हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। बट अभी तक भाई इसने मारा नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बात है। ओ भाई क्या छलांग मारी है इसने, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा ये जो तालाब है एक छलांग में क्रॉस कर दिया था। ये कहाँ लेके जा रही है? माउंट लियाट के टॉप पे। कुल मिला के भाई अपने घर की तरफ ला चुकी है एंड मुझे लग रहा है गाइस मुझे फिर से ट्रैप किया जाने वाला है। यस हेलो गाइस, वेलकम बैक। यस, टॉर्च की जरूरत पड़ी गई, घर में आखिरकार फिर से आ ही गया। घर से कहाँ बच के जाओगे भाई? फिलहाल तो भाई वापस से घर के अंदर इस ग्रैनी ने ट्रैप कर दिया है और मुझे लग रहा है मुझे फिर से इस घर से एस्केप करना पड़ेगा। अब कार एस्केप तो पता नहीं हो पाएगा या फिर नहीं, देख के आते हैं। रुको एक बार नीचे की तरफ, कार है कि नहीं? आई डोंट थिंक कि कार होगी, लास्ट टाइम एस्केप कर तो लिया था और उसे घर ले जाके वो ब्लास्ट भी तो हो चुकी है। ओके वेल, कार तो नहीं है। यस ऑब्वियसली ये तो होना ही था, कार नहीं है गाइज। बट ग्रैनी के घर से एस्केप करने का एक और तरीका है एंड यू नो वेरी वेल वो तरीका क्या है। तुम लोग उस तरीके को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो बट स्टिल मैं एक बार बताता हूँ। वो तरीका है द एपिक द लेजेंडरी डोर एस्केप। यस, अब एक यही तरीका है जिससे मैं इस ग्रैनी के घर से बाहर निकल सकता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम करेंगे भाई ये डोर एस्केप, अभी तो चुपचाप जाके वापस से बेड पे सो जाते हैं वरना ग्रैनी ने देख लिया तो कूट देगी भाई आके। तो नेक्स्ट टाइम गाइस ट्राई करेंगे इस डोर एस्केप को, पता नहीं अब कितना मुश्किल होने वाला है कितना इजी होने। इजी तो खैर नहीं होगा, ऑब्वियसली इजी कभी होता है भाई कुछ भी इस गेम में, स्पेशली जब ये ग्रैनी हो सामने। तो मुश्किल होने वाला है, अब कितना मुश्किल होने वाला है ये तो नेक्स्ट टाइम ही पता चलेगा। बट डेफिनेटली इस घर से मैं एस्केप वापस से करूंगा गाइस। लास्ट टाइम क्या था? कार एस्केप। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई द डोर एस्केप। मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।